हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, एनटीए ने अपने एक नए नोटिफिकेशन में दिखाया है कि जो सीएसआईआर यूजीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट को उन्होंने क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो अब जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया है क्योंकि एनटीए ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है और इस नोटिफिकेशन में जो डेट ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है उसे इंक्रीज़ किया गया है। तो इसको इंक्रीज़ करके 15 जून तक कर दिया गया है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि आप कैसे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो आप बस गूगल में टाइप करिए CSIR NTA, क्योंकि आप NTA ही सारा एग्ज़ाम कराती है। तो देखिए, जैसे ही आप CSIR NTA टाइप करेंगे गूगल में तो सबसे पहले जो पॉपअप ओपन होगा तो इस पे आप देख सकते हैं कि CSIR नेट NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो CSIR नेट डॉट NTA की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर इसमें सबसे पहला जो बहुत सारे इवेंट्स दे रखे हैं तो इसमें सबसे पहला इवेंट्स पे आप क्लिक करेंगे, इसमें लिखा है एक्सटेंशन ऑफ द रिवीजन ऑफ डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। इस विंडो में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन ये ऑफिशियली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA जो कि अब मैक्सिमम जितने भी एग्जाम्स हैं उसे कंडक्ट कराती है, चाहे वो नीट का हो चाहे CSIR हो। ओके, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने 31 मई को ऑलरेडी जो इसका नोटिफिकेशन है उसे आउट कर दिया था। ठीक है, तो इन्हें सब्जेक्ट देखिए क्या, एक्सटेंशन ऑफ द रिवीजन ऑफ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन व्यू ऑफ मैनी रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट एंड हार्डशिप फेस बाई देम ड्यू टू COVID-19 एपिडेमिक द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ फर्दर एक्सटेंडेड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो COVID-19 के चलते इन्होंने क्या किया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख लेते हैं कि डिफरेंट जो वेरियस एग्जाम है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी PhD का जो एंट्रेंस है और जो इसका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो डेट है उसे इंक्रीज़ कर दिया गया है। देखिए, करेंट लास्ट डेट क्या थी, 31 मई, जिसे बढ़ा के इन्होंने 15 जून कर दिया है 2020। वहीं अगर बात करें हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR 2020 के एग्जाम को लेके तो इसकी भी डेट को बढ़ा के 15 जून कर दिया गया। वहीं अगर JNU की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इसका भी 15 जून कर दिया गया। वहीं UGC नेट जून 2020, इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की उसे इंक्रीज़ कर दिया 15 जून। वहीं जो ज्वाइंट CSIR UGC नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई, जो कि 31 मई थी अब तक, अब ये हो गई 15 जून। ओके, तो इसमें एक और पॉइंट दे रखा है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू 5 PM एंड सबमिशन ऑफ फी अप टू 11:50 PM। ओके, तो 5 PM तक ही, 15 जून को 5 PM तक जो आप हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं कि अपना जो फॉर्म है CSIR UGC नेट का उसका फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात अगर करें हम लोग एडमिट कार्ड की, तो इसका जो एडमिट कार्ड है वो डायरेक्टली आपको NTA की वेबसाइट पर मिलेगा जब एडमिट का जब एग्ज़ाम डेट फिक्स की जाएगी या एकदम एग्जैक्ट डेट एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी। तो उसके 1 वीक बिफोर नॉर्मली क्या होता है, जो एडमिट कार्ड होता है वो NTA अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकता है, फिर वहाँ से आप जो हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि द कैंडिडेट एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन वेबसाइट, यानी कि अगर अब आप क्या करिए क्या कि टाइम टू टाइम जो NTA की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहिए लेटेस्ट अपडेट्स से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फर्दर कॉल करके अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये जो डायरेक्टर जनरल हैं NTA के डॉक्टर विनीत जोशी, उनकी प्रेजेंस में दिया गया है। ठीक है, तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था रिलेटेड टू वेरियस एग्जामिनेशन, चाहे वो इग्नू हो, चाहे आयकर हो, चाहे JNU हो, या UGC नेट या CSIR नेट हो। ओके, तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन था मेरी ओर से। तो अब जैसा सबको लग रहा था कि ये एग्ज़ाम जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो हैं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो एक
नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम डेट होगी तो उस पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से है, इसका डेट को एक्सटेंड किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो COVID-19 के जो केसेज है कॉन्टिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से अगर हम कॉन्टिन्यूसली अगर ऐसे ही डेट को पोस्टपोन करते रहेंगे तो ये साल चला जाएगा और आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी जो डेट आएगी वो आपकी फ़िक्स डेट रहेगी और उन फिक्स डेट पे आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप अपने जो तैयारी है उसे करते रहिए, ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम की अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आई सडनली ये क्या करेंगे, अगर सिचुएशन नॉर्मल हुई या थोड़ा सा भी ढिलाई दी गई तो ये आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए ताकि आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकें। तो यहीं पर मेरा वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।